हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर की यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, फाइनली वन प्लस अपना एक मिड रेंज कैटेगरी का स्मार्टफोन इंडियन मार्केट्स में बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम रहने वाला है यहां पर वन प्लस नॉट सीई 5G। एंड जब से यहां पर ये न्यूज बाहर निकल गई, आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बस इसके ऊपर वीडियो बनाओ, क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्या प्राइस पॉइंट पे आ सकता है, कब पहला फ्लैश सेल वगैरह देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट डिटेल आज की स्टोरी में आपको देने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 80% स्पेसिफिकेशन यहाँ पर इसके लीक हो चुके हैं। तो अगर आपको वन प्लस नोट सी 5G के बारे में जानना है तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर वन प्लस नॉट सीई 5G के फुल फॉर्म के बारे में। ऑफिशियली कल तक नहीं पता था, लेकिन वन प्लस ने यहाँ पर ऑफिशियली आके बता दिया है कि वन प्लस नॉट, तो आप सभी को पता है नाम है। एंड सीई का फुल फॉर्म अगर देखे तो कोर एडिशन, मतलब जो वन प्लस नॉट 2020 वाला मॉडल था उसका आप बोल सकते हो हल्का सी लाइटर वर्जन आपका सीई वाला देखने को मिलने वाला है। बात करें इसके इंडिया लॉन्च डेट के बारे में तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है 10 जून को यहाँ पर ये इंडियन मार्केट्स में आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट पहला ऐसा ब्रांड मैं देख रहा हूँ कि भाई लॉन्च डेट के साथ में जो है सेल डेट, ओपन सेल डेट, प्री बुकिंग डेट सारी चीजें बता दिए। उन्होंने बेसिकली पूरा टाइमलाइन अपना शो कर दिया है कि 10 तारीख को फोन लॉन्च होगा, 11 तारीख को प्री बुकिंग पे जाएगा एंड 16 जून से यहां पर ये स्मार्टफोन का ओपन सेल भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो कि काफी बढ़िया बात है कि ब्रांड ने खुद ही आके कह दिया कि भाई कोई फ्लैश सेल वगैरह नहीं रहेगा, आपको डायरेक्टली जो है ओपन सेल में लॉन्च के 6 दिन बाद से ही देखने को मिलेगा। जो कि काफी बढ़िया बात है, एक थम्स अप वन प्लस के लिए जाता है। मेरे हिसाब से हर एक ब्रांड को यहां पर ऐसा काम करना चाहिए, फ्लैश सेल वगैरह को टोटली निकाल देना। अब बात करते हैं यहां पर OnePlus Nord CE 5G के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो कल तक के तो यार कुछ भी पता नहीं था, लेकिन Android Central जो कि काफी बड़ा बोल सकते हो पब्लिशर है, उन्होंने यहां पर जो है आप बोल सकते हो 80% स्पेसिफिकेशन वगैरह लीक कर दिए। चलिए सारी चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो Android Central की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको सारे स्पेसिफिकेशन वगैरह यहां पर बताने वाला हूं। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो यहां पर बताया जा रही है ये बार डिजाइन जो है OnePlus Nord से थोड़ा हटके जो है पिछले साल का जो था उससे हटके OnePlus 9 सीरीज जैसा आपको देखने को मिला था कैमरा मॉड्यूल जैसा, वैसा यहां पर आपको OnePlus Nord CE में देखने को मिलेगा। क्योंकि अच्छा लगता है कि मतलब जो 2021 का डिजाइन लैंग्वेज OnePlus ने लाया है, बजट या बोल सकते हो मिड रेंज में भी वही दर है, जो कि काफी बढ़िया बात है। तो गाइस, डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है अगेन आपको 6.43 इंच का एक 90 हर्ट्ज का डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अब कल जो लीक वगैरह निकल के आ रही थी कि भाई IPS डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी जो है 20-25 हजार रुपए की रेंज का स्मार्टफोन रहेगा, तो ऐसा नहीं है। एंड्रॉइड सेंट्रल की रिपोर्ट अगर हम माने तो 90 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जैसे कि हमको 2020 वाले नॉट में मिला था। काफी बढ़िया बात है, AMOLED तो यार मतलब OnePlus के स्मार्टफोन पे होना ही चाहिए। RAM ROM की अगर हम बात करें तो 6GB 8GB अलग-अलग आपको वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। अब SD कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में कोई आईडिया नहीं है। साथ ही में प्रोसेसर भी Android Central की रिपोर्ट माने तो यहां पर आपको Snapdragon का 750G वाला चिपसेट देखने को मिलने वाला है। तो काफी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर आप इसे कह सकते हो, हमने बहुत सारे स्मार्टफोन पे इस्तेमाल कर चुके हैं, एफिशिएंसी जबरदस्त है, परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ा है, कोई हीटिंग इश्यूज वगैरह देखने को नहीं मिलता है, एज वेल एज 5G का सपोर्ट मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। कैमरास की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है ट्रिपल कैमरा रहेगा, ये 4 कैमरा रहेगा वो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो प्राइमरी सेंसर बैक में आपको मिलेगा वो 64 मेगापिक्सल का ये बार रहने वाला है। तो OnePlus Nord में 48 था, यहां पर आपको 64 मेगापिक्सल मिलेगा। सेल्फी कैमरा ये बार थोड़ा डाउनग्रेड करके आपको 16 मेगापिक्सल का यहां पर दिया जाएगा। अब जब फोन आएगा तो डेफिनेटली आप लोग को टेस्ट आउट करके बता देंगे। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें वही एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। ऑक्सीजन OS पे यहां पर ये रन करेगा, इसके सॉफ्टवेयर के लिए बहुत सारे लोग यहां पर ये स्मार्टफोन को परचेस करने वाले। सेंसर्स सारे OnePlus के आपको जो मिलते हैं वो मिलेंगे एंड क्योंकि इसमें AMOLED डिस्प्ले है तो इन डिस्प्ले के ज्यादा चांसेस है कि यहां पर OnePlus आपको प्रोवाइड कराएगा। हां, वो Redmi वाले साइड माउंटेड देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता OnePlus साइड माउंटेड देगा, यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ही देखने को मिलेगा। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो बैटरी लाइफ के बारे में Android Central की कोई भी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैंने बाकी की यहां पर वेबसाइट से सारी जो डिटेल्स वगैरह गैदर कराऊ उसके हिसाब से आपको दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 4300mAh की बैटरी मिलेगी या तो 4500mAh की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में। 99% कंफर्म है कि 30 वॉट का जो है फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो बताया जा रहा है ये पूरे स्पेसिफिकेशन जो है आपको OnePlus Nord CE 5G स्मार्टफोन में इंडिया में देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं यहां पर क्या प्राइस पॉइंट पे यहां पर ये इंडियन मार्केट्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो प्राइस पॉइंट एक चीज तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि ये कोर एडिशन रहने वाला है, तो OnePlus का लाइटर वर्जन रहेगा, तो OnePlus Nord के कंपैरिजन में इसकी प्राइस पॉइंट डेफिनेटली नीचे जाएगी,
ऑफिशियली जो है कंफर्म हो चुका है। तो ये स्मार्टफोन आप पकड़ के चलो जो बेस वेरिएंट है डेफिनेटली 25,000 रुपए के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। 20,000 से 25,000 रुपए बताया जा रहा है ये स्मार्टफोन की रेंज यहाँ पर रहने वाली है। 22,000 रुपए भी हो सकती है, 23,000 भी हो सकती है या 20,000 भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो चांसेस है वो बताया जा रहा है 22-23,000 रुपए की रेंज में आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये कुछ यहाँ पर डिटेल्स निकल के आई थी इनिशियली एंड कुछ रिपोर्ट्स वगैरह, मैं सोचा डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर करना तो बनता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना OnePlus Nord CE 5G ये सारे स्पेसिफिकेशन के साथ में अगर आता है 22,000 रुपए की रेंज में तो क्या लगता है आपको ये Redmi Realme को किल कर पाएगा, क्या इंडिया में अपने पैर जमा पाएगा, नहीं जमा पाएगा, ये OnePlus Nord जैसा मतलब थोड़ा ओवर प्राइस वैसा, जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।